दोस्तों, डॉक्टर उस्मान सिंधी एडुटेंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और घर पर सेफ होंगे। दोस्तों, हम सब अभी लॉकडाउन की स्थिति में हैं और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होकर अपने आप को और अपने देश को इस कोविड-19 के क्राइसिस से बचाने में पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, कोविड-19 चाइना के वुहान से शुरू हुआ था और अब वहां पे सब कुछ नॉर्मल है और बहुत ही कम कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सोचिए, ये उन लोगों ने कैसे किया। जी हाँ, लॉकडाउन ही ऐसा अकेला ऑप्शन है जो इस इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकता है और जब लोग इसके शिकार होते हैं तो उनका सही से इलाज भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम कभी कोई चीज को सीरियसली नहीं लेते और बिना कोई रिसर्च किए कोई भी चीज को सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करते चले जाते हैं। दोस्तों, कोविड-19 को आपको सीरियसली लेना होगा, वरना ये वो दिन दूर नहीं जबकि हमारे अपने हमसे दूर हो जाएंगे। जिसको कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है उनको 14 दिन आइसोलेशन में रखा जाता है और किसी से मिलने नहीं दिया जाता। सोचिए, अगर वो आप, मैं या कोई अपना हो तो हम पर क्या बीतेगी। ये टाइम कोरोना से सावधानी से लड़ने का है और मजाक का नहीं। कोरोना फिलहाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और कोई भी चैलेंज को हम अगर चैलेंज नहीं समझते तो वो हमें जरूर ले डूबता है। दोस्तों, जितने बड़े बड़े क्राइसिस पास में आए हैं उन सब क्राइसिस ने हमें चैलेंज के साथ अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं। कोरोना से लड़ने के लिए हमें लॉकडाउन में रहना होगा और इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूटिलाइज करेंगे। दोस्तों, बहुत लोग लॉकडाउन को बोरिंग समझ रहे हैं पर ये नहीं सोच रहे हैं कि हम इस समय को भी एक अपॉर्चुनिटी समझ सकते हैं और इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम इसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दोस्तों, सेल्फ एनालाइज और रिकनेक्ट योरसेल्फ विद अलमाइटी गॉड। दोस्तों, हम सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं कि हम कौन हैं, किसने हमें बनाया है, उस बनाने वाले का हमको इस दुनिया में भेजने का क्या मकसद है, हमने अब तक इस दुनिया में क्या क्या किया है और क्या कर सकते हैं, क्या हम कोई चेंज ला सकते हैं। दोस्तों, इस पर सोचने की हमको बहुत जरूरत है। दोस्तों, लॉकडाउन से स्ट्रेस कॉमन है और स्ट्रेस से आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। स्ट्रेस दूर करने के लिए आप एक्सरसाइज या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। मेडिटेशन या प्रेयर बहुत ही बेस्ट होगा। दोस्तों, हमें ये सोचना होगा कि कैसे हम चीजों को सिंप्लीफाई या आसान कर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ है, हम कई सारी चीजों को ग्रांटेड ले लेते हैं। जो हमारे पास है वो शायद किसी और के लिए एक सपने से कम नहीं। देखें कि हमारे पास की चीजों में कोई ऐसी चीज है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम ऐसी चीजों को शेयर कर सकते हैं उनसे जिनको इसकी जरूरत है। जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है उन्हें डोनेट कर दीजिए। प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए अपने आसपास पड़ोसियों का ख्याल करें, देखें कि उनको कोई चीज की जरूरत है या नहीं। अगर आप कोई डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट या हेल्थ केयर वर्कर या कोई पुलिस कर्मचारी को देखते हैं, उनके खाने या पानी का, उनके इंपॉर्टेंट चीजों का ख्याल करें, क्योंकि वो हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं और उनकी भी फैमिली है, लेकिन हमारे लिए वो अपनी फैमिली को छोड़कर इस जंग में हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा करने से हम अपनी लाइफ को एक डिफरेंट तरीके से सोचेंगे। हमको इतनी सारी चीजें ऊपर वाले ने दी हैं पर हम फिर भी खुश नहीं। दोस्तों, ऑर्गेनाइज हो जाइए। जी हाँ, हम पर्सनली कई बार ऑर्गेनाइज नहीं होते, जैसे कि कोई ऐसी जगह जो सारे पेपर्स से फुल हो और हमें उसे साफ करने का कभी समय नहीं मिलता। बैठे और उसको ऑर्गेनाइज करें। बिल्स, रिसिप्ट, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शंस, इंश्योरेंस या फाइनेंस के पेपर्स को सेपरेट फाइल करें। ऐसा करने से हमें ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ने पर ऑन टाइम मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को हम स्कैन भी कर सकते हैं और पीडीएफ बनाकर अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप क्रिएटिव हैं और लगता है कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं तो आप बहुत सारी क्रिएटिव एक्टिविटीज को यूट्यूब से सीख सकते हैं। आप कोई एक नई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं और इसके रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। दोस्तों, आप अपनी स्किल सेट्स को और बढ़ा सकते हैं। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मटेरियल मिल जाएगा, जैसे टेडेक्स, यूडेमी, स्किलशेयर, कोर्सेरा और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको घर बैठे स्किल्स अपग्रेड करने का चांस मिलता है, जो आपके करियर या जॉब में एक बहुत बड़े रोल प्ले कर सकते हैं। गुड और बैड हैबिट। दोस्तों, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब में कुछ अच्छी और बुरी आदतें हैं। हम इन दिनों अपनी अच्छी और बुरी आदतों को कैसे अपनी लाइफ में काम में ला सकते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी अच्छी आदतों अपने और दूसरों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे हम बुरी आदतों को छोड़कर अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीजों को ला सकते हैं। दोस्तों, रीडिंग एक बहुत ही अच्छी आदत है। आपको रीडिंग से बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। ये टाइम आप रीडिंग में लगाएं तो बहुत फायदा होगा। ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारी किताबें ऑलरेडी घर पर हो और आपके पास अब तक टाइम ही नहीं था उनको पढ़ने का, तो अब ये टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों आज की प्रैक्टिकल जिंदगी में कुकिंग का बहुत बड़ा रोल है। आपको कुकिंग आनी बहुत जरूरी है। कुकिंग बहुत ही आसान स्किल है। आपको बहुत सारे वीडियोस, रेसिपीज इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आप खुद भी अपनी फैमिली रेसिपी बना सकते हैं। दोस्तों, हम सब का फेवरेट टाइम बचपन की यादें। हाँ दोस्तों, हम अपनी बचपन की यादों को ताजा कर सकते हैं।
बचपन के टाइम में जब हम सब फैमिली इकट्ठा बैठकर टाइम गुजारा करते थे, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, अपने बच्चों के साथ उनकी फेवरेट एक्टिविटी में उनके साथ दे सकते हैं, उनको नई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, उनको टीच कर सकते हैं। दोस्तों हम अपनी मेमोरीज से कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे पुरानी ओल्ड फोटो एल्बम्स के साथ टाइम बिता सकते हैं, उनको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं ताकि आप उनको आगे भी अपने पास रख सकते हैं। दोस्तों नॉर्मल रूटीन लाइफ में हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अपने पुराने क्लोज फ्रेंड्स, कोलीग्स, फैमिली फ्रेंड्स या प्रोफेशनल कोलीग्स से बात नहीं कर पाते। हम उनसे अभी बात कर सकते हैं। आप उनसे बात करें जो कभी आपकी लाइफ में आपसे कभी क्लोज हुआ करते थे, उनसे पूछें वो कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, इससे आपको अच्छा फील होगा। दोस्तों डिजिटल हाउसकीपिंग करें, यानी अपने कंप्यूटर पर जिस पर आप डेली काम करते रहे हैं उसको बराबर से ऑर्गेनाइज करें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, म्यूजिक को बराबर सेग्रीगेट और उनका बैकअप ले लें। अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करें जिससे आपका सिस्टम स्मूथ चलेगा। अपने डिजिटल अकाउंट्स, पासवर्ड्स चेंज करें और उनको सेफ रखें। दोस्तों आप अपने घर को मेकओवर और फ्रेश लुक दे सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग पर काम कर सकते हैं और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों विशलिस्ट या टू डू लिस्ट बना सकते हैं। दोस्तों लॉकडाउन के बाद हम अपने इंपॉर्टेंट कामों की विशलिस्ट टू डू लिस्ट बना सकते हैं, जैसे डेंटिस्ट से मिलना, पुरानी कार का बेचना, अपने कोई फ्रेंड से मिलना, फुटबॉल खेलना या आउटसाइड एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे वॉकिंग, जिम और एक्सरसाइज। दोस्तों घर पर हम होम गार्डन बना सकते हैं। होम गार्डन बनाने के लिए थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ती है और जहां पर थोड़ी सी सनलाइट और वाटर फैसिलिटी हो। आप बहुत सारी तरकारी घर पर उगा सकते हैं और बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं जो आपके घर की हवा को फ्रेश और ताजा रखने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं और तो उसकी रिसर्च भी कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां आप जा सकते हैं और नेचुरल खूबसूरती को देख सकते हैं। दोस्तों हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें कि कोई भी क्राइसिस हमारे पास ना आए, लेकिन अगर कोई क्राइसिस अभी आ जाए तो कैसे तैयारी करें, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं कि कैसे कोई क्राइसिस को हम रेस्पॉन्ड करें, कैसे हमको इमरजेंसी फंड्स की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा या नहीं, स्टॉक मार्केट क्रैश होने से इक्विटी पोर्टफोलियोज की प्लानिंग, घर पर ग्रोसरीज, मेडिसिन, कैसे हम पैनिक बाइंग को अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको और वीडियोज ऐड करने पर नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू।